हेलो स्टूडेंट, लास्ट लेक्चर में हमने टेम्परेचर और रेट कांस्टेंट के बारे में पढ़ा है। टेम्परेचर चेंज होगा तो उसकी जो इफेक्ट है वो रेट कांस्टेंट को हो रही है। रेट कांस्टेंट जो है वो डबल हो रहा है इफ यू इंक्रीज टेम्परेचर बाय जस्ट 10 डिग्री। एक इंफॉर्मेशन हमने ले ली। बाद में दूसरा एक टर्म है जो आरएमएस इक्वेशन में था, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी से भी हम रेट कांस्टेंट बढ़ा सकते हैं। टेम्परेचर का एक्टिवेशन एनर्जी के साथ कोई लेना देना नहीं। एक बात याद रखना, टेम्परेचर एंड एक्टिवेशन एनर्जी बोथ आर इंडिपेंडेंट। ठीक है, तो सबसे पहले एक्टिवेशन एनर्जी क्या है वो क्लियर होना चाहिए। उसके आगे मैंने और लिखा है थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो भी परफेक्ट होना चाहिए। दोनों में अभी साथ में ही ले रहा हूं, दोनों में ज्यादा वेरिएशन नहीं है। तो सबसे पहले आगे मैंने आपको बताया था कि दुकान में से आपको कोई चीज लेनी है तो पैसे देने पड़ते हैं, सही है कि गलत? सही है। मान लो कि आपको कोई बुक परचेज करनी हो और उसकी प्राइस 500 रुपीज है। सो 500 रुपीज जो है दैट इज अ मिनिमम प्राइस टू परचेज दैट बुक। और जो 500 रुपीज है दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड रुपीज। थ्रेशोल्ड रुपीज ये पहले क्लियर होना चाहिए। जब तक आप दुकान वाले को 500 रुपीज नहीं दोगे तब तक आपको वो चीज नहीं मिलेगी, तो वो टेक्स्ट बुक आपको मिलेगी ही नहीं। दैट इज अ फैक्ट। ओके, तो बुक जो है उसकी जो मिनिमम प्राइस है वो 500 रुपीज है, ये पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं थ्रेशोल्ड रुपीज। फिर आपने वॉलेट में चेक किया, वॉलेट में कि आपके पास कितने पैसे हैं। तो आपके पास जो पैसे हैं कितने पैसे हैं, जस्ट 10 रुपीज। तो 10 रुपीज जो है वो आपके पास जो पैसे हैं वो है। तो अब मुझे बताओ पॉसिबल है? नहीं है। तो आप कहां जाओगे? आप जाओगे पापा के पास कि पापा मुझे और पैसे दे दो। कितने? 490। बस समझा रही है? तो 10 + 490 दैट इज 500। ये जो 500 है दैट इज थ्रेशोल्ड ईएच, थ्रेशोल्ड रुपीस। ये जो 10 जो है दैट इज इनिशियल रुपीस जो आपके पास है वो। ओके, और 490 जो है दैट इज एक्टिवेशन रुपीस। एक्टिवेशन रुपीस क्लियर? मतलब थ्रेशोल्ड है दैट इज अ मिनिमम, मिनिमम और एक्टिवेशन का मीनिंग होता है मिनिमम तक जाने के लिए जो भी कम पैसे है आपके पास, जो गैप है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन। तो सेम कॉन्सेप्ट हमारा एनर्जी के फॉर्म है। मान लो कि आप कोई भी रिएक्शन ले रहे हो, फॉर एग्जांपल R2B दैट इज वन ऑफ द रिएक्शन। तो ये भी पर्टिकुलर रिएक्शन के लिए पर्टिकुलर एनर्जी होनी चाहिए, विदाउट एनर्जी पॉसिबल है ही नहीं कोई भी रिएक्शन। ओके, तो मान लो कि इसको जो एनर्जी चाहिए दैट इज 500 जूल एंड दैट इज अ थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर? और अभी उसके पास कितनी एनर्जी है? 10 जूल है, तो रिक्वायरमेंट कितनी होगी? 490 की होगी। क्लियर? तो ये रिलेशन आ गया आपके पास, ये जो 10 है दैट इज अ इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन, प्लस एक्टिवेशन एनर्जी एंड दिस इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी। क्लियर? मान लो कि इसको आप डिक्लेयर करते हो 10 ही बहुत कम है, तो ये दोनों ऑलमोस्ट सेम हो जाएंगे। क्लियर? इट मींस फॉर एनी रिएक्शन, फॉर एनी केमिकल रिएक्शन मिनिमम एनर्जी मस्ट बी रिक्वायर्ड, दैट इज कंपलसरी, विदाउट एनी रिएक्शन हो जाएगी। तो ये पहले क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ये दो वर्ड है वो पहले माइंड में सेट कर दो, एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, और एक्टिवेशन एनर्जी जो है इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम होगी उतनी रिएक्शन फास्ट होगा। ऐसे मैंने आपको बताया था, कोई भी चीज़ आप परचेज करने जा रहे हो उसकी जो परचेजिंग प्राइस है वो जितनी कम होगी उतनी वो चीज़ आपके घर जल्दी आएगी।
ज्यादा आएगी नहीं, जल्दी आएगी। आपको बाइसिकल परचेस करनी है तो विद इन वन वीक को आ सकती है, क्योंकि उसकी प्राइस 4,000 to 5,000 होगी। आपको बाइक परचेस करना है तो पापा देंगे आपको, लेकिन टाइम थोड़ा देना पड़ेगा, मैनेजमेंट करना पड़ता है, एक महीना। आपको कार लेनी है तो थोड़ा और वेट करना पड़ेगा, क्लियर। तो जितनी प्राइस ज्यादा रहेगी उतनी वो प्रोसेस स्लो रहेगी। तो यहाँ भी ऐसा ही है, कोई भी रिएक्शन जब हम करने जा रहे हैं तो एक्टिवेशन एनर्जी जितनी कम उतनी वो प्रोसेस फास्ट होगी, और एक्टिवेशन जितना ज्यादा उतनी वो प्रोसेस स्लो होगी। तो पहले वो क्लियर होना चाहिए, ओके। चलो, तो केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन जब होता है तो उसकी कुछ कंडीशन होती है। सबसे पहली जो कंडीशन होती है, कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन, फर्स्ट कंडीशन दैट इज कोलिजन। मतलब दो रिएक्टेंट है आपके पास, मान लो कि आप A2 प्लस B2 प्लस 2AB पढ़ने जा रहे हैं, गिव्स टू AB, तो इन दोनों के बीच में पहले कोलिजन होना चाहिए, क्योंकि A2 में A और A के बीच में बॉन्ड है, B2 में B और A के बीच में बॉन्ड है, तो पहले A जो बॉन्ड है उसको ब्रेक करना है। दो चीज होगी, ये बॉन्ड को ब्रेक करना है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन भी करना है बिटवीन ए एंड बी, और ए बॉन्ड ब्रेक करने के लिए कोलिजन होना चाहिए। दिस इज द फर्स्ट बेसिक कंडीशन फॉर द केमिकल रिएक्शन। सेकंड, और कोलिजन जो होगा वो भी एनर्जी के साथ होना चाहिए, एनर्जी के साथ, सफिशिएंट एनर्जी के साथ। दो मॉलिक्यूल है, मान लो कि A2 B2, ऐसे कोलिजन हुआ है, कोलिजन विद एनर्जी के साथ, एनर्जी के साथ, क्लियर। So this is the second condition. And third condition जो होती है, that is direction. मतलब जो कोलिजन होगा वो एनर्जी के साथ होना चाहिए और प्रॉपर डायरेक्शन में होना चाहिए। If these three condition fulfill, then chemical reaction will take place. ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक example ले रहा हूँ जिसमें ये तीनों conditions आपकी fulfill हो जाएगी, हमें प्रोडक्ट भी मिलेगी, और एक रिएक्शन में आपको बताऊंगा उसमें एनर्जी के कुछ चेंजेस होते हैं, वो भी हमें स्टडी करने हैं, और साथ में एक्टिवेशन एनर्जी का पार्ट वहां पे क्या है वो भी आपको क्लियर करना है, ठीक है। और ये सब मैंने नोट्स में आपको दिया हुआ है, आप एक बार देख लेना। एक्टिवेशन एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है दोनों के, ठीक है। और एनर्जी क्यों चाहिए उसका रीजन भी मैंने बताया, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में ये तीन कंडीशन को फुलफिल कर रही है, कोलिजन, एनर्जी एंड डैश। क्लियर होना चाहिए, कोलिजन भी होना चाहिए विद एनर्जी विद प्रॉपर डायरेक्शन, क्लियर। तो अभी मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ जिसमें ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी, और बाद में उसको हम आगे एनर्जी के बेस पे स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले एक एग्जांपल हम ले रहे हैं, दैट इज H2 प्लस I2 गिव्स 2HR, ए सिंपल रिएक्शन है, और एक रिएक्शन है वो एक्सोथर्मिक है। केमिस्ट्री का कोई भी रिएक्शन होगा आइदर एंडो होगा या तो एक्सो होगा, तो एक एक्सोथर्मिक है सपोज। तो सबसे पहले H2, H2 का मीनिंग होता है H और H के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कोवेलेंट। I2 में भी सही। चलो, अब सबसे पहले क्या होगा, H2 और I2 दोनों एक दूसरे के नजदीक आएंगे, ऐसे एनर्जी के साथ उनका कोलिजन होगा। जब कोलिजन होता है, कोलिजन दोनों के बीच में कोलिजन होगा, धमाका होगा, तो इससे ये जो बॉन्ड है ना, ए बॉन्ड वीक हो जाएगा, यहां पे ए बॉन्ड भी वीक हो जाएगा, और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा बीच में, लेकिन आपको पहले एक देखना, ठीक है। एंड दिस इज अ एक्टिवेटेड, ये जो है इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हैविंग मैक्सिमम पीई। पी का मीनिंग होता है पोटेंशियल एनर्जी। मैक्सिमम पी मैंने क्यों बोला, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो होगी। बस होता है जब दो मॉलिक्यूल नजदीक आते हैं, H2 और I2 ऐसे जब नजदीक आएंगे ऐसे स्लोली स्लोली, तो उनकी काइनेटिक डिक्रीज होगी,
लेकिन जैसे कोलिजन हुआ ए कंडीशन का, इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ये जो बना हुआ। अब ये जो जो बचा है तो उसकी काइनेटिक क्या होगी, जीरो होगी। काइनेटिक जीरो इन द सेंस पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स मैक्सिमम, और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी और इमीडिएटली ये पूरा जो कॉम्प्लेक्स है वो डिकम्पोज हो जाएगा और फाइनली ए दो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी। ए दो बॉन्ड है और नए बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा बिटवीन हाइड्रोजन एंड आयोडीन, सो वी हैव 2H5। क्लियर, इस बेस पे रिएक्शन होगा। और ये कॉम्प्लेक्स जो है इसको बोलते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, दैट इज एसी। और एसी की कैरेक्टरिस्टिक्स भी आपको पता होना चाहिए, काइनेटिक एनर्जी दैट इज जीरो एंड पोटेंशियल एनर्जी दैट इज मैक्सिमम। क्लियर होना चाहिए, ठीक है। एक रिएक्शन है और इसमें तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, कोलिजन भी हो रहा है, एनर्जी भी साथ में है और डायरेक्शन भी प्रॉपर है, तभी आपको ये मिलेगा। अब ये प्रोसेस में एक्टिवेशन एनर्जी का रोल कहाँ पे है, तो वो ग्राफिकल फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं, ग्राफिकल फॉर्म में। तो ग्राफिकल फॉर्म देखो कैसा होगा, तो सबसे पहले हमें ग्राफ बनाना है। जो टेक्स्ट बुक में लिया है वो ग्राफ मैं अभी बना रहा हूं, ठीक है। और रिएक्शन कौन सा है, H2+ I would use 2HI और एक एक्सोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक, ठीक है। यहां पे रिएक्शन कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट रिएक्शन से आगे बढ़ रहा है और वाइट सेंस जो है उस पर लेते हैं EE, मीन्स पोटेंशियल एनर्जी। अब इसका एक फेज ले लेना, ओके, जीरो प्लस माइनस, ठीक है। अब रिएक्शन यहां से स्टार्ट हुआ H2+I2, तो H2I2 दोनों नजदीक आ रहे हैं सर धीरे धीरे, ठीक है। नजदीक आएंगे तो अभी ये पोटेंशियल एनर्जी पे हम फोकस कर रहे हैं, तो काइनेटिक एनर्जी तो डिक्रीज होगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज। यहां से रिएक्शन स्टार्ट हुआ कि जीरो मैंने बेस लिया है, हां, तो यहां से रिएक्शन स्टार्ट हुआ। तो यहां पे कौन है, H2+I2, ये दोनों रिएक्टेंट है और दोनों जब नजदीक आएंगे तो स्लोली स्लोली पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी अप टू हियर, यस। और ये पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, मैक्सिमम। और पोटेंशियल एनर्जी जब मैक्सिमम होती है तो फॉर्मेशन किसका होता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और एसी। तो यहाँ पे एसी का फॉर्मेशन हो गया, एसी का फॉर्मेशन हो गया, क्लियर। अब एसी का फॉर्मेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद मिलेगी आपको प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट यहां से नीचे आएगा और बाद में यहां पे आके वो कांस्टेंट हो जाता है, दैट इज 2HI। क्लियर, ये 2HI जो है ये प्रोडक्ट है, 2HI ये प्रोडक्ट है और H2+I2 जो है दैट इज रिएक्टेंट्स। बस हो गया, तो ग्राफ यहां से ऊपर गया है फिर यहां से नीचे आया, ऐसा ग्राफ आपको मिलेगा, ठीक है। अब इसमें ये सेम प्रोसेस मैंने ग्राफिकल बेस पे बताई है, अब इसमें से एक्टिवेशन एनर्जी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वो कैसे करेंगे वो देखो। अब उसके लिए थोड़ा टाइम चैप्टर से बाहर हो जाएगा, इसका जो लूप है अभी जो मैंने पाथ बनाया है दैट इज लाइक माउंटेन, क्लियर। ये माउंटेन ऐसा मान लो आप अभी यहां पे खड़े हो और यहां से आपको इधर आना है, क्लियर, और ये माउंटेन के जरिए ही आपको इधर आना है, मतलब आपको पहले इधर से ऊपर जाना पड़ेगा, यस, और यहां से फिर नीचे आना है। अब एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, मुझे बताओ किसका दिमाग चलता है, देखो आप यहां से इधर जाओगे फिर इधर से इधर आओगे, ठीक है। मुझे बताओ एनर्जी की रिक्वायरमेंट किस पार्ट में होगी, ए पार्ट में या ए पार्ट में, सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन, एनर्जी की रिक्वायरमेंट किस पार्ट में होगी, यहां से ऊपर जाने में या ऊपर से नीचे आने में, मुझे बताओ। सिंपल है सर, नीचे से ऊपर जाने में, सिंपल, दैट इज एनर्जी रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी, और वही एनर्जी जो है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर रिएक्टेंट, मतलब H2+I2 जो है
उसको प्रोडक्ट बनानी है तो सबसे पहले उसको एसी बनाना पड़ेगा, एसी। और एसी बनाने में जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो वहां से एक्टिवेशन का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, मतलब ये जो हाइट है, ये जो हाइट है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, और इसको बोलते हैं ईए। और ये वैल्यू कहां से ला हो गया, तो सिंपल सबट्रैक्शन है, देखो इतना जो पार्ट है दैट इज एक्टिवेशन, और ये पार्ट आपको फाइंड करना है ए लाइन और ए लाइन। इसका मीनिंग हुआ कि एक्टिवेशन ए बी मैक्सिमम है कि नहीं, एक इसका पोटेंशियल है ए सी का, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, मतलब एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जब बनता है तब कितनी पोटेंशियल है वो निकाल, दैट इज अ मैक्सिमम। ओके, और जब रिएक्शन स्टार्ट होता है एच टू प्लस आई टू जब अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं तब उनके पास कितनी पोटेंशियल है, ये अभी मैंने जीरो एक बेस बनाया है ना, तो इन दोनों का डिफरेंस दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी फॉर दिस फॉरवर्ड रिएक्शन, जो फॉरवर्ड का होगा। ओके, बात समझ आ रही है ना। सो एक्टिवेशन एनर्जी है वो बेसिकली डिफरेंस है, ऐसे हुआ ना, अकॉर्डिंग टू ग्राफ इफ यू कंसीडर ग्राफ देन एक्टिव मैथमेटिकली एक्टिवेशन एनर्जी दैट इज अ डिफरेंस between potential energy of AC, potential energy of AC and potential energy of reactant, इन दोनों की जो potential है उसका जो difference है that is called activation energy mathematically, yes। चलो अब यहाँ से इधर आते हैं, अब सुबह 6 बजे यहाँ शाम के 6 बजे हम पहुँच गए ऐसा मान लेते हैं, अब वापस घर पे आना है, वापस घर पे आना है, तो मुझे बताओ वापस घर पे आने में यहां से फिर से ऊपर जाना पड़ेगा, फिर नीचे आना पड़ेगा, तो एनर्जी किस पोर्शन में चाहिए, ए पोर्शन में चाहिए, दैट इज रिवर्स रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन, यस। तो बैकवर्ड रिएक्शन में भी एनर्जी चाहिए, यहां भी चाहिए एनर्जी, यहां से यहां जाना चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड ई डैश। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ईए एंड ई डैश, तो सबसे आपको पहले ये बता होना चाहिए जो ये है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यहां से वहां जाने की एक्टिवेशन, और ये डैश क्या है, ये डैश जो है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड, वापस आने की एक्टिवेशन, दोनों, और दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी, दोनों की वैल्यू सेम नहीं होगी। ये एक्सोथर्मिक का एग्जांपल है, एक्सोथर्मिक ग्राफ जो है एक्सोथर्मिक का है, और एक्सोथर्मिक जो है उसमें याद रखना एक्सोथर्मिक में ई ए लेस देन ई ए लेस होता है, इसका मीनिंग हुआ फॉरवर्ड की कंपेयर में बैकवर्ड का एक्टिवेशन ज्यादा होता है, दिस इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। और ग्राफ से दूसरे की इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, ये जो पोटेंशियल है ये रिएक्टेंट है, और ये पोटेंशियल इसकी एन प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट की पोटेंशियल, तो किसकी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी, रिएक्टेंट की या प्रोडक्ट की, तो एक्सोथर्मिक में रिएक्टेंट की कंपेयर में प्रोडक्ट की पोटेंशियल कम होती है, प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है, ग्राफ से पता चल जाता है किसका लेवल देखो और इसका लेवल देखो कम हो गया कि नहीं, ठीक है, ये भी इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए एक्सोथर्मिक कैसा होगा, यस। दूसरी बात, हम ऐसा थर्मल में पढ़ते आए हैं कि सर एक्सोथर्मिक का डेल्टा एच नेगेटिव होता है, यस, तो वो भी आपको यहां से पता चलेगा, डेल्टा एच की फॉर्मूला है, डेल्टा एच आपको फाइंड करना है, तो फॉर्मूला है ए माइनस ई डैश, मतलब फॉरवर्ड और बैकवर्ड की जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसका जो डिफरेंस है दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच। तो मुझे बताओ ए माइनस ई डैश, तो ए की कंपेयर में ई डैश बड़ा है कि नहीं, तो यहां पे डेल्टा एच का आंसर आएगा दैट इज लेस देन 0, लेस देन 0 मींस व्हाट, दैट इज नेगेटिव। तो इसमें ये जो डिफरेंस है दैट इज डेल्टा एच, और ये आएगा आपका नेगेटिव, ये भी पता होना चाहिए, तो ए पोर्शन को बोलते हैं डेल्टा एच डिफरेंस। तो पूरा जो ग्राफ है उसमें पोटेंशियल एनर्जी है, एक्टिवेशन है, डेल्टा एच है, तो उसके बारे में भी हम थोड़ा स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले फिर से एक बार देख लो, एच टू प्लस आई टू डी टू एच है, मैंने एग्जाम्पल लिया है, H2I2 दोनों कंबाइन होंगे, पहले क्या बनेगा AC बनेगा, दैट इज एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और उसमें से फिर प्रोडक्ट निकल आएगा, और ये जो प्रोसेस है
उसको ग्राफिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं विद द हेल्प ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो स्टार्टिंग यहां से होगा, रिएक्टर की पोटेंशियल अभी इतनी है, ग्रेजुअली पोटेंशियल एनर्जी विल इंक्रीज एट वंस एसी फॉर्म, पहले एसी बनेगा लाइक दिस, और एसी का पोटेंशियल क्या हो जाता है मैक्सिमम, तो एसी बन गया, और देन एसी विल डिकंपोज, और एसी जब डिकंपोज होगा तो उसमें से एचआई बनेगा, और एचआई की जो पोटेंशियल है वो डिक्रीज हो रही है, बाद में क्या हो जाएगी कांस्टेंट हो जाएगी, पर्टिकुलर वैल्यू गेन करने के बाद वो कांस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, ये वैल्यू यहां पे और ये एक्सोथर्मिक है, तो जिससे रिएक्टर की कंपेयर में ये जो प्रोडक्ट है इसका पोटेंशियल कम होता है, नंबर वन। बाद में इसमें एक्टिवेशन एनर्जी कहां पे आएगी, तो मैंने माउंटेन का जो एग्जांपल लिया है वो बेस्ट एग्जांपल है, रिएक्टर को यहां से अगर जाना है वहां पे उसको एनर्जी चाहिए, एंड दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन। So this height represents activation energy. And mathematically, this height is actually difference. Difference between potential energy of AC and potential energy of reactant. Similarly, backward. Backward में ये height आएगी. वापस आना है ना, तो वापस में भी energy आएगी. That is a backward E and S. वो भी difference ही है. एक इसका difference is same. Potential energy of AC and potential energy of product, मतलब H है, clear? तो एक simple point याद रखना, EA और EAS इसका difference है, तो potential energy का जो difference है, that is called activation energy, और दूसरी बात, activation energy का जो difference है, EA minus EAS, that is delta H, ये concept, okay? तो बहुत important part है। दूसरी बात, ये जो मैंने एग्जांपल आपको बताया है वो एक्सोथर्मिक का है, एंडोथर्मिक है वो टेक्स्टबुक में नहीं है, तो एंडोथर्मिक का ग्राफ कैसा होगा वो भी मैं आपको थोड़ा आइडिया दे दूं, एंडोथर्मिक का, ठीक है, एंडोथर्मिक में ऐसा होता है, मान लो कि कोई रिएक्शन एंडोथर्मिक है जो इसका एक बेस है, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी है, तो यहां से जब ग्राफ स्टार्ट होगा तो जब एसी तो यहां भी बनेगा, एसी बनने के बाद जो प्रोडक्ट मिलेगी वो यहां तक आके हो जाएगी, इसका मीनिंग हुआ एंडोथर्मिक में ये रिएक्टेंट का लेवल है और एक प्रोडक्ट का लेवल है, तो रिएक्टेंट की जो पोटेंशियल एनर्जी है इसकी कंपेयर में प्रोडक्ट की पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी। यहां पे ये जो हाइट है दैट रिप्रेजेंट ईए, और ये जो हाइट है दैट रिप्रेजेंट ईएस, देयर ईए ग्रेटर देन ईएस, यहां पे जो डेल्टा एच होगा इसका आंसर आएगा पॉजिटिव, समझ आया, इसका आंसर पॉजिटिव है, एक एंडो है, अभी मैंने एक्सो का एग्जांपल लिया है, टेक्स्टबुक में एक्सो है इसीलिए, लेकिन एंडो और एक्सो दोनों आपको पता होने चाहिए, ठीक है, और दोनों में एक्टिवेशन की रिक्वायरमेंट है, फॉरवर्ड में बैकवर्ड दोनों में चाहिए, एंडो में फॉरवर्ड की कंपेयर में बैकवर्ड कम चाहिए, और एक्सो में फॉरवर्ड की कंपेयर में वापस आने में एनर्जी आपको ज्यादा चाहिए, ठीक है, तो एक क्लियर होना चाहिए, तो एक कॉन्सेप्ट है, तो जो नोट्स मैंने आपको भेजी है उसमें पूरा डिटेल में दिया है, ठीक है, तो केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन हो उसका ऐसा ग्राफ होता ही है, बिकॉज ईच रिएक्शन रिक्वायर एक्टिवेशन एनर्जी फिक्स होता है, ये हाइट जो है वो हर एक जगह पर, लेकिन ये जो हाइट है, हाइट दैट विल डिफरेंट फॉर डिफरेंट रिएक्शन, ओके, तो एक पॉइंट आपका एक क्लियर होना चाहिए, इजी टॉपिक है, नोट्स अच्छी तरह पढ़ना तो अपने आप ही कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर से बता रहा हूँ मैं, एंडोथर्मिक जो है इसका ग्राफ ऐसे कर रहा हूँ, एंडोथर्मिक, एंडो कैसा होगा, एक्सोथर्मिक, एक्सो का ग्राफ ऐसा होता है लाइक दिस, एक्सो, बिकॉज इन केमिस्ट्री ऑल रिएक्शंस आइदर एंडो और एक्सो, या तो वो एंडो को फॉलो करेंगे या तो एक्सो को फॉलो करेंगे, ये जो गैप है दैट इज कॉल्ड डेल्टा एच, यहां पे ये जो गैप है दैट इज डेल्टा एच, ये जो हाइट है दैट इज ईए, ये जो हाइट है दैट इज ईएस, यहां भी से ईए और ईएस, क्लियर, ये रिएक्शन हुआ, और एंडो में ये रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, एक्सो का ये रिएक्टेंट है और एक प्रोडक्ट है, और रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट बोथ आर डिफरेंट, reactant and product both are different, so their characteristics are also different, it means potential energy, so reactant basis jo product karti hai to iska direct meaning ho jata hai product ki jo
पोटेंशियल है और रिएक्टेंट से ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है, तो एंडो में ज्यादा होगी, एक्सो में कम होगी, सेम तो हो ही नहीं सकती क्योंकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बोलते हैं डिफरेंट सब्सटेंस। कभी कभी जीएटेबल रेट की हम बात करते हैं, जीएटेबल रेट में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आपको ऐसा ग्राफ दिया है, इट मीन्स वॉट ए रिएक्टेंट है और इसका पोटेंशियल और ये भी देखो दोनों सेम लेवल पे है, पॉसिबल है क्या रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों की पोटेंशियल सेम लेवल पे, पॉसिबल है ही नहीं, फिर भी ऐसा ग्राफ दिया है, इसका मीनिंग हुआ है कि इसमें एक कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, मतलब रिएक्शन हुआ ही नहीं, इसमें डायरेक्शन वाली जो कंडीशन है वो सेट नहीं हुई, मतलब रिएक्टेंट जो था वो एसी बनाता है, रिएक्टेंट जो है वो एसी बनाता है, दो रिएक्टेंट कंबाइन हुए एसी बन गया, लेकिन ये कोलिजन जो हुआ वो प्रॉपर डायरेक्शन में नहीं हुआ, और प्रॉपर डायरेक्शन में जब कोलिजन नहीं होगा तो वापस रिएक्टेंट वापस आएंगे, प्रोडक्ट निकलेंगे, बात समझ आ रही है ओके, और रिएक्टेंट जब वापस आएंगे तो जो रिएक्टेंट आगे गए थे वही वापस आए तो उनकी जो पोटेंशियल है वो तो सेम ही रहेगी, इसीलिए दोनों का लेवल क्या रहता है सेम होता है, मतलब ऐसा कोई ग्राफ आपको दिया है इसका मीनिंग होता है रिएक्शन डज नॉट अकर, रिएक्शन हुआ ही नहीं, ड्यू टू विच कंडीशन, थर्ड कंडीशन कैन नॉट फुलफिल, कंडीशन मीन्स डायरेक्शन वो फुलफिल हुई नहीं, इसीलिए ऐसा हुआ, समझ आ रही है, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर होना चाहिए, कभी कभी ऐसा नहीं होता लाइक दिस, बस इतना ही दिया, इसका मीनिंग क्या हुआ पीक पॉइंट पे पहुंचेंगे, इसका मीनिंग हुआ एसी का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ, रिएक्शन हुआ मतलब आइदर दिस और दिस, ये क्लियर होना चाहिए ओके। पूरा क्लियर तो बहुत डिटेल में था, नहीं बुक में कुछ दिया ही नहीं है आपको, फिर भी मैंने आपको बताया है कि ए कंडीशन है ए और एस, ठीक है, ए कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, नोट्स में मैंने पूरा लिखा ही है, अभी कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर ओके। तो एक्टिवेशन एनर्जी का रोल क्या है वो आपको पता चल गया, विदाउट एक्टिवेशन एसी डज नॉट फॉर्म, वंस एसी फॉर्म इट विल डिकम्पोज एंड कन्वर्ट इनटू प्रोडक्ट इफ डायरेक्शन इज प्रॉपर, यदि डायरेक्शन प्रॉपर नहीं हुआ ना तो भी प्रॉब्लम होगी, एसी बनेगा फिर भी गया हो सकता है, बट बी पॉजिटिव, अभी हम पॉजिटिव सोच रहे हैं कि नहीं डायरेक्शन प्रॉपर है इसलिए एसी में से प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, और ए जो ग्राफ है उसमें ईए ए पार्ट है और ईए जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी है, अब एक्टिवेशन एनर्जी मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को हमें कम करना है, क्यों कम करना है वो नेक्स्ट लेक्चर में ओके। तो आज का जो लेक्चर था उसमें मेनली मुझे रिएक्शन के लिए जो तीन कंडीशन है वो बतानी थी, एक एग्जांपल लिखा हमने H2 प्लस I2 का, वो कैसे एनर्जी के बेस पर उसको दिखाना है, उसमें एक्टिवेशन है, पोटेंशियल है, चेंज इन एंथैल्पी है, कौन कहाँ कहाँ पे है, कौन किसका डिफरेंस है पता होना चाहिए, दो लाइन ध्यान रखना, पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो है दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी का जो डिफरेंस है दैट इज चेंज इन एंथैल्पी, इतना क्लियर होना चाहिए ओके।